सरकार का कर्तव्य होता है देश को, देश की भलाई, देश को आगे बढ़ाना, विकास करवाना और जितनी भी अलग अलग संस्कृतियां हैं उन्हें कायम रखना। सेवा एक सरकार का धर्म होता है और ईमानदारी एक ऐसा असूल है कि सरकार का कर्तव्य है कि असूल वो अपनाए। लेकिन आज कर्नाटका में स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जो सरकार बनी कुछ सालों पहले, वो सबसे पहले ही शुरू से ही आपके भरोसे पे नहीं बनी, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने एक और सरकार चुनी थी, आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी और गलत तरीकों से, पैसों के इस्तेमाल से भाजपा ने उस सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इस सरकार का जो मूल था, ये सरकार जो जिस आधार पर बनी थी वो शुरू से ही गलत था, शुरू से ही धोखा था। और लालच के आधार पर बनी तो लालच के ही आधार पर निर्णय लेती रही। इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा ये रहा कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो करने चाहिए थे इनको, जो इन्होंने किए नहीं। पिछले अगर आप कुछ 3 सालों में देखें तो आपको पता चलेगा कि केंद्र से जितने पैसे कर्नाटका के लिए आने थे वो आस्ते आस्ते कम होते चले गए। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आपको दुर्बल नेता मिले, बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा। बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी, कोई समाधान नहीं हुआ। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। आपने शायद पढ़ा होगा कि एक विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए कैश में मिले, उसमें कार्रवाई करने के बजाय उनके पिता ने तो परेड निकाल ली। किसी को नहीं छोड़ा, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा, स्कूल के बच्चों के अंडों को नहीं छोड़ा। जहां देखो वहां पे, जहां मौका मिला इन्होंने आपको। कहा जाता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं कर्नाटका प्रदेश से। आपको मालूम है कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों में से कितना बन सकता था आपके प्रदेश के लिए? 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 2,250 6 लेन की एक्सप्रेसवे 2,250 किलोमीटर लंबी बन सकती थी, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी, 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर। सोचिए जितना इन्होंने लूटा है उसमें से 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते। तो जब सरकार की नीयत ऐसी होती है तो इसका असर किस पे होता है, आप बताइए। ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, हाथ उठाओ, कितने नौजवान हो यहाँ, हाथ उठा के दिखाओ, एक ही है क्या? आप में से कितनों को सरकारी नौकरी मिली? नहीं मिली ना। क्या आपको मालूम है कि लाखों पद खाली पड़े हैं सरकार के, लाखों पद खाली पड़े हैं सरकार के, और ये लाखों पद खाली हैं और आप सब बेरोजगार हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये तो आप ही के, आप ही की नौकरियां हैं, आप ही का रोजगार है, इधर निम्मदे नौकरी सरकार आपको दे नहीं रही है। जितने वादे किए इस सरकार ने सारे तोड़ दिए। आपको याद है कि आपको कहा था नम्मा कर्नाटका के नम्मा वचना, याद है आपको? आज कांग्रेस भाजपा से पूछती है कि निम्मा हतिराई दिया उत्तरा, आप जवाब नहीं।
सवाल उठा रहे हैं, ये रोजगार कहाँ गए, ये पैसा कहाँ गया, ये जो आपने वचन दिए थे इनका क्या हुआ, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने आरक्षण की बात की, इस पे भी धोखा दिया। आरक्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो 9th शेड्यूल में डालना पड़ता है वो उन्होंने डाला नहीं। यहाँ प्रचार किया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां पे आरक्षण को उन्होंने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। अब नंदिनी को जानते हैं, जानते हैं आप? कर्नाटका का एक कोऑपरेटिव है जो सब दूध बनाता है और दूध के पदार्थ बनाता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की, एक साजिश की। पहले 99 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता था, आज 70 लाख हो रहा है। इन्होंने जानबूझ के ये करवाया है, कम करवाया है, ताकि आपको लगे कि कम हो रहा है, और वो अपनी अमूल की जो कोऑपरेटिव है, जो गुजरात की कोऑपरेटिव है, वो आप कर्नाटका में ला पाए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय में इतना दूध इकट्ठा होता था कि बचता था, और उसी वजह से जो स्कूल के बच्चों को दूध दिलवाने का जो कार्यक्रम, जो योजना बनाई क्षीरा भाग्य, वो उसी की वजह से बना। इतना दूध इकट्ठा हो रहा था कि हम स्कूल के बच्चों को दूध पिला पा रहे थे। आपको याद होगा कि क्षीरधारे प्रोग्राम था, जिससे 5 रुपए प्रति लीटर हम किसानों को देते थे, और भी इकट्ठा दूध होता था, दूध इकट्ठा होता था। तो मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पहचाने कि ये जो आपका कर्नाटका है, जिसपे आपको गर्व है, जिसको आपने बनाया है, इसको किस तरह लूटा जा रहा है। कुछ सरकारें होती हैं जो आपके हित में काम करती हैं, जो आपके गुरुओं, आपकी संस्कृति का आदर करती हैं। आज श्री बसवन्ना, श्री नारायण गुरु जैसे आपके जो महापुरुष थे, महात्मा थे, जो आपके महात्मा थे, आज वो क्या सोचते होंगे कि ऐसी सभाओं में, चुनावी सभाओं में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन आप ही के प्रदेश में आरएसएस जैसी संस्थाएं उनकी ही सीख को घुमाकर दूसरी तरह से आपके सामने पेश करना चाहते, और उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है। वो क्या सोचते कि इतनी महान जो कर्नाटका की जनता है, जिसने सबसे हमेशा अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से अपनी कमाई की है, कि यहाँ मंच पे खड़े होकर भाजपा के नेता आपको धमकी देते हैं, आपको कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो मोदी जी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। जिस जनता को बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी, कुवेंपू जी जैसे महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, उस जनता को किसी भी आज के नेता की आशीर्वाद की जरूरत, यह आपके गर्व की बात है, ऐसा कहना आपका अपमान है। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जो अपने आप अपनी मेहनत से बना, आपकी सोचने की इच्छा शक्ति, अपने प्रदेश को बदलने की इच्छा शक्ति, आपकी जो अपनी मेहनत है उसी से आप बने हैं। आपने कितनी बार असंभव को संभव किया, आपने पूरे देश को दिखाया। देश भर में जब कोई जाता है कर्नाटका का होता है तो हम सब समझते हैं कि बहुत मेहनती होगा। तो जब आपके साथ इस तरह की बातें होती हैं, जब लूट होता है, जब आपकी शक्ति को पहचाना नहीं जाता है, तो पूरे देश को दुख होता है। जब हमें पता चलता है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, सरकारी पद खाली हैं और वो भरे नहीं गए, और यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, तो दुख होता है। जब पता चलता है कि हर पोस्ट का रेट पहले से ही फिक्स है, तो दिल टूटता है। आज लेक्चरर के पोस्ट के लिए 30 से 50 लाख, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए 30 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए 50 से 70 लाख, क्या है ये? प्रधानमंत्री
के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त अडानी जैसे लोग 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, यहाँ के गन्ने का किसान को अपना पैसा नहीं मिलता। तो बड़े बड़े उद्योगपति कमाते हैं, उनको लोन मिलता है, उनसे जीएसटी भी नहीं ली जाती। अभी अभी एक डील हुई, मैंने अखबार में पढ़ा, जीएसटी भी नहीं दी। और आपसे हर छोटी छोटी चीज पे जीएसटी, आपको गन्ने का दाम नहीं मिलता सही। आपको मालूम है कि यहाँ कर्नाटका में सबसे कम मिल रहा है, कांग्रेस के प्रदेशों में देखिए सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप गैस सिलेंडर के लिए 1100 रुपए क्यों दे रहे हैं? सरसों का तेल कितने का है? दाल, पढ़ाई लिखाई का दाम, दवाइयां, फीस, रसोई की जितनी भी चीजें हैं, सब महंगी से महंगी होती चली जा रही है। और ये सरकार अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन आपकी मदद के लिए कुछ नहीं। आपको लूटा जा रहा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए जो ये लूट रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? कौन ले रहा है ये? उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र और वो उनके नेता। और आप यहाँ पे गरीबी में, आपके दलदल से आपको निकाला ही नहीं जा रहा, निकालना नहीं चाहते हैं। समझ लीजिए, निकालना नहीं चाहते, क्योंकि आपको निकाल देंगे गरीबी से तो आप खड़े होंगे इनके खिलाफ, आप सवाल उठाएंगे, आप पूछेंगे कि मेरे पैसे किसने लिए, ये कर्नाटका प्रदेश के पैसे मेरे पैसे हैं, आप बोलेंगे। और आपसे डरते हैं, इसीलिए हमेशा आपको दबा के रखेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, आपको गरीब रखेंगे। अगर एक सरकार की नीयत सही होती है तो बहुत कुछ करके दिखा सकती है। आपने कांग्रेस की सरकार को देखा था, आपको याद होगा, आपको याद है अन्ना भाग्य योजना थी, क्षीर भाग्य थी, पशु भाग्य थी, कृषि भाग्य थी, आरोग्य भाग्य थी, विद्याश्री थी, इंदिरा कैंटीन थे। ये सब क्यों बनाए गए? आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको कमी ना हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सही सरकार सही काम करती है। आज भी अगर आप देखें तो आप यहाँ गन्ने की खेती करते हो, आपको सही दाम नहीं मिलता, बाढ़ आती है, फसलें डूब जाती हैं, भाजपा की सरकार कुछ नहीं करती, सोई रहती है, लूट में मस्त है। आपको मालूम होगा यहाँ पे माधव मंत्री डैम और कनाल का प्रोजेक्ट भी कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने की, हमने वादे किए तो हमने उन वादों को निभाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकारें बनी तब हमने कर्ज माफ किए किसानों के। छत्तीसगढ़ में एमएसपी सबसे ज्यादा है। हिमाचल में हमने वादा किया कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लाएंगे, उसे हमने लागू करना शुरू किया है। इसलिए इस बार इस चुनाव में हम वादे नहीं, आपको गारंटी दे रहे हैं, हम 100% यहाँ पर प्रगति और विकास लाने की गारंटी दे रहे हैं। ये जो लाखों पद, ये जो 2.5 लाख पद खाली है सरकार के, वो हम भरवाएंगे। 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे, 200 यूनिट करंट नमगे फ्री आगे कोड़ते हैं, उचित आगे कोड़ते हैं। 10 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा। तू भी मेरे युवा भाइयों और बहनों, सभी ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। डिप्लोमा वालों को 1500 रुपए मिलेंगे पर महीने, और ग्रेजुएट युवाओं को 3000, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए। आप, क्योंकि मैं जानती हूँ, देखिए मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ मेरी बहनें उठाती हैं, घर का काम करती हैं, सबको खुश रखना, सबकी सेहत देखना, बच्चों की परवरिश करना, खेती में भी काम करना। तो मैं जानती हूँ कि मेरी बहनों पर कितना बोझ है, और आज इतनी महंगाई है कि कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, काम चला नहीं पा रहे हैं। इसलिए खास तौर से महिलाओं के लिए 2000 रुपए महीने।
महीने आपको दिया जाएगा। नंदिनी को हम मजबूत करेंगे, बाहर से कोई कोऑपरेटिव नहीं आएगा, आप ही का अपना कोऑपरेटिव चलेगा और अच्छी तरह से चलेगा। देखिए, अंत में मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने देखा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां आते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उनकी कब्र गाड़ना चाहते हैं विपक्ष के नेता, ये कैसी बातें हैं? इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी रहे और उनकी लंबी उम्र रहे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये चुनाव का मुद्दा है? क्या ये चुनाव का मुद्दा है? अजीब अजीब से मुद्दे, अजीब अजीब से विषय उठाते हैं, लेकिन आपकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? आपको आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये आपका काम है कि आप इस चुनाव को अपने मुद्दों पर केंद्रित रखें। ये चुनाव मोदी जी के बारे में नहीं है, ये चुनाव किसी भी नेता के बारे में नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये चुनाव आपके कर्नाटका के बारे में है, आपके अपने गर्व के बारे में है, आपके प्रदेश के बारे में है, आपके रोजाना के जीवन के बारे में है, जिसमें इनकी लूट ने आपके जीवन को बिगाड़ने का काम किया है, जिस सरकार को हर तरह से आपकी सहायता करनी चाहिए वो एकदम फेल हो गई है। तो आज अगर आप नहीं समझेंगे कि ये आपका चुनाव है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये आपके प्रदेश और आपकी संस्कृति को बचाने का चुनाव है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। देखिए, आज मैं मंच पे आपके सामने खड़ी होकर कह रही हूं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं आपके प्रदेश में, लेकिन मेरी बात पर मत जाइए। मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करती हूं, आप अपने अनुभव पर जाइए। हम सब कहेंगे, अपने लिए कहेंगे, कोई और अपने लिए कहेगा, आप यही सोचिए, जब से इनकी सरकार बनी तो आपके जीवन में तरक्की आई कि नहीं आई? आई है कि नहीं आई है? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जीवन में मुश्किलें ज्यादा हुई हैं कि कम? बढ़ गई है। तो आप मेरे कहने पे नहीं, अपने ही अनुभव पर सोच समझ के इस बार अपना वोट डालिए। लूटने वाली सरकार को हटा दीजिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके हित में काम करे, जो कर्नाटका की संस्कृति को समझे और आप सबके गर्व को बढ़ाए। यही आपसे उम्मीद है और आशा है कि चुनाव जब आएगा आप सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे और कांग्रेस की एक नई सरकार जो आपके प्रदेश में एक नया उजाला लाए उसी को चुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी धूप में आपने मेरी बातें तुम्बु हृदय धन्यवाद। और आपको भी बहुत धन्यवाद ट्रांसमिशन।